अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने सुना, भेरिया टाउन कराची के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। 6 जून है आज, और आज के दिन इतने ज़्यादा हालात ख़राब हुए हुए हैं भेरिया टाउन के। इन्होंने ऑफिसेस तक जला दिए हैं, इनको तोड़ रहे हैं, और शोरूम बने हुए हैं शुरुआत में वो सब जला दिए हैं, और जो भेरिया टाउन का मेन गेट है वो भी जला दिया है। ये देखें गाड़ियाँ किस कदर जली हुई हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें लाजमी, और मुझे और मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। क्योंकि मैंने अक्सर आप लोग ने, अगर जो मेरे सब्सक्राइबर्स वीडियोस देखते हैं, मैंने अपने कुछ ब्लॉग्स में अक्सर जिक्र किया हुआ है कि मैं यहाँ गई भेरिया टाउन मेगा इम्तियाज कार्निवल जा रहे थे हम या पार्क गए। तो मैं भेरिया टाउन कराची में ही रहती हूँ, और इस वक्त यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेकाबू हो गए हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और जो यहाँ लोग रहते हैं उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि बस हम तो बहुत परेशान हैं, घर में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर करूं, आप लोग को बताऊं, आप लोग कुछ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि यार हम क्या करें। क्या एक बहरिया में ऐसा लगता था कि बिल्कुल सुकून की जगह है, लेकिन अचानक से ये सब हो गया, इतना ज़्यादा हमें तो डर बैठ गया दिल में। और कार्निवल का अंदर का हिस्सा तक जला दिया है, पिज़्ज़ा हट तक जला दिए हैं। बस मेरी ये दरख्वास्त है, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया यार, बस दुआओं में याद रखें।